चंद्रमुखी की कहानियाँ। हेलो दोस्तों, खूनी कौन ये नया सीरीज शुरू होने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए, क्योंकि ये कहानी बहुत ही रोमांचक है। हाँ मैडम, पर हमने खून नहीं किया, हमने माँ को नहीं मारा। बस प्लान किए थे, जो सक्सेस होने से पहले ही दिव्यानी जी का डेथ हो गया। पर तुम्हारा दिव्यानी जी के साथ झगड़ा होते समय गोपाल डिनर लेकर ऊपर आ रहा था। दिव्यानी जी अपनी पूरी प्रॉपर्टी एक चैरिटी को दे देंगे, ये बात गोपाल के कानों में पड़ा और उससे यकीन हो गया कि यहाँ से कुछ भी नहीं मिलने वाला उसे। फिर वो दिव्यानी जी के खाने में बेहोश होने की दवाई मिला के उन्हें सर्व कर दिया। और उसके बाद छोटा बेटा अभिराज पहुंच गया माँ से जायदाद के बारे में बात करने। मैं सब कुछ एक चैरिटी के नाम कर जाऊंगी, तुम लोगों को कुछ भी नहीं देने वाली मैं, कुछ भी नहीं। क्या नहीं दोगे? मैं भी देखता हूँ कैसे नहीं दोगे। इस बात पे अभिराज बहुत गुस्सा हो गया और उसका दूसरा प्लान आजमाया। माँ, आपको क्या लगा हमें कुछ पता नहीं? आपके और चाचा जी के अफेयर के बारे में हमारे पास बहुत कुछ है सोसाइटी को बताने के लिए। चुपचाप मुझे ये सारी प्रॉपर्टी दे दीजिए, नहीं तो तुम सब कुछ लीक कर दोगे, है ना? हाँ कर दूंगा, आप किसी को मुंह दिखाने के लायक भी नहीं रहेंगे। अगर तुम अपनी माँ को बेइज्जत करना चाहते हो बेटा, देन गो अहेड, आई डोंट केयर। फिर अभिराज अपने गुस्से को काबू नहीं कर पाया, ऊपर से दारू के नशे में वो लड़खड़ाने लगा। फिर दिव्यानी जी, क्यों इतना नशा करते हो बेटा, संभालो खुद को, चलो वॉशरूम चलकर फ्रेश हो जाओ, थोड़ा अच्छा लगेगा तुम्हें। छोड़ो मुझे, छोड़ो, मैं अकेले जा सकता हूँ। ये बोल के अभिराज माँ के रूम से अटैच्ड वॉशरूम चला गया और अंदर जाते ही दारू के नशे में वो बेहोश हो गया। और इधर गोपाल सोचा था कि दिव्यानी जी डिनर करके बेहोश हो चुकी होंगी और वो ठीक 15 मिनट के बाद मेन स्विच ऑफ करके पूरा महल अंधेरा कर दिया, ताकि अंधेरे में वो दिव्यानी जी के कमरे में घुसकर सारे गहने चुरा के भाग सके। नहीं नहीं, ये झूठ है, मैं बिल्कुल मैडम जी के रूम में नहीं गया, ये झूठा इल्जाम क्यों लगा रहे हो मेरे ऊपर? जी नहीं, आप रूम में गए नहीं, जाने वाले थे, वो भी पीछे वाली खिड़की से होकर। हाँ बूढ़ी अभी भी जग रही है, ओह खाना नहीं खाई अभी तक। कुछ भी हो जाए, आज तो मैं गहने चुरा के भाग जाऊंगा, थोड़ी देर के बाद आता हूँ। फिर ठीक उसी समय दिव्यानी जी के देवर महेंद्र जी, दिव्यानी के वाइन में जहर मिलाया था, पर अब तक वो जिंदा कैसे रही? ये लोग एक एक करके उससे मिलने जा रहे हैं, बातें भी करके आ रहे हैं, शायद उसने पिया नहीं या जहर का असर नहीं हुआ उससे। अगर नहीं भी हुआ होगा तो अभी खिड़की से जाकर उसका गला दबा दूंगा मैं, वैसे भी चारों तरफ अंधेरा है। अपनी भाभी से बदला लेने महेंद्र जी भी उसी खिड़की के जरिए अंदर जाने वाले थे। फिर गोपाल को खिड़की के पास देखकर वो वहां से तुरंत ही भाग गए, पर जल्दबाजी में उनके हाथ से वाइन की ग्लास वहीं पर गिर गई। क्यों महेंद्र जी? हाँ ये सच है, मैं मानता हूँ, क्योंकि दिव्यानी ने मेरी लाइफ बर्बाद कर दी, मुझे शादी करने नहीं दिया, मेरा घर बसाने नहीं दिया, उसे तो मैं कब से मारना चाहता था। इसी बीच अभिराज को वॉशरूम के अंदर होश आने लगा और वो बाहर आते ही देखा दिव्यानी जी की नसें कटी हुई है और वो जमीन पर पड़े दर्द से चिल्ला रहे हैं। माँ को ऐसे हाल में देखकर अभिराज को कुछ समझ नहीं आया।
हाँ? माँ माँ, ये कैसे हो गया? किसने किया? मैं वॉशरूम में ही सो गया था शायद, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। यहाँ से जल्दी से निकल जाना चाहिए, नहीं तो मैं खुद फंस जाऊंगा इसमें। फिर अभिराज माँ की मदद किए बिना सीधा रूम से बाहर जाते ही आर्यन और रीटा के साथ टकरा गया। फिर आर्यन और रीटा भी अंदर जाकर माँ को ऐसे दर्दनाक हालत में देखने के बाद भी चुपचाप वहाँ से निकल गए, ताकि सारा इल्जाम अभिराज पर आ जाए, उसे जेल हो जाए और अल्टीमेटली प्रॉपर्टी उनको मिल जाए। हे ना आर्यन? नहीं, ये सच नहीं है। अगर अभिराज ने माँ को नहीं मारा तो फिर माँ को मारा किसने? किसी ने भी नहीं। नीलम, आनंद, अभिराज, अनीता, आर्यन, रीटा, महेंद्र और गोपाल, तुम सब अपने अपने तरीके से दिव्यानी जी से बदला लेने की पूरी कोशिश किए, पर अनफॉर्चुनेटली उन्हें सब पता चल गया था और वो एक चैरिटी के नाम पे ये सारी प्रॉपर्टी करके खुद सुसाइड कमिट कर लिए, अपना वेन काट के आत्महत्या किए हैं वो। आत्महत्या? पर ये कैसे हो सकता है? माँ जी आत्महत्या क्यों करेंगे? आप ये बात यकीन के साथ कैसे कह सकते हैं? क्योंकि दिव्यानी जी की मौत नीलम के दिए हुए चाकू से नहीं, उनके रूम में रखा हुआ दूसरा चाकू से हुआ है, जिसमें सिर्फ दिव्यानी जी का ही फिंगरप्रिंट्स है। पुलिस ऑफिसर से सच सुनने के बाद सब हैरान थे, क्योंकि दिव्यानी जी का मर्डर तो किसी के हाथ से हुआ नहीं, पर उनको मारने की साजिश सबने रची थी। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग सर। केस इज सॉल्व्ड। वाह, एक ही रात में तुमने इतना बड़ा केस सॉल्व कर दिया। आई एम प्राउड ऑफ यू टीना, गुड जॉब। बट आई एम सरप्राइज्ड कि दिव्यानी कश्यप अपनी 500 करोड़ की प्रॉपर्टी एक चैरिटी के नाम कर दिए। यस सर, दैट्स रियली स्ट्रेंज। टीना मैडम, एक गुड न्यूज है। गुड न्यूज? हाँ, आप यकीन भी नहीं करोगे कि हमारी चैरिटी को 500 करोड़ का डोनेशन मिला है। 500 करोड़ का? अच्छा, वाव, बहुत अच्छी बात है राघव। अब जाइए, जितने भी गरीब बुढ़ा बुढ़ी अनाथ बच्चे मिलते हैं, उन्हें हमारी चैरिटी में लाकर अच्छे से रखिए। बच्चों के पढ़ाई का खास इंतजाम होना चाहिए, अब तो हमें पैसों की कमी भी नहीं रही। हाँ मैडम, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं चलता हूँ। नमस्ते। टीना, टीना, कितना खेलोगी बेटी? चलो खाना खाते हैं। माँ, पापा हमारे साथ खाना क्यों नहीं खाते? टीना, पापा को बहुत काम रहता है ऑफिस में, घर पहुंचने में काफी लेट हो जाता है, इसीलिए नहीं खा पाते। पर मैंने बहुत बार पापा को ऑफिस से आकर पड़ोस वाली दिव्यानी आंटी के घर जाते हुए देखी हूँ। माँ को कुछ भी पता नहीं। नहीं नहीं, मैं माँ को नहीं बोलूंगी, वो ये सुनकर बहुत रोएगी। टीना उम्र में बहुत छोटी थी, फिर भी उसे सब समझ में आता था कि उसके पापा घर पे नहीं, पड़ोस वाली दिव्यानी आंटी के साथ ज्यादा टाइम बिताते थे। फिर एक दिन टीना फैसला कर ली कि उसके पापा से ये बात पूछ कर ही रहेगी। पापा, क्या मैं आपसे कुछ मांग सकती हूँ? हाँ हाँ मेरी जान, तुम सब कुछ मांग सकती हो, बोलो क्या चाहिए। आप पहले प्रॉमिस करो। अच्छा ठीक है, चलो प्रॉमिस। आप वो दिव्यानी आंटी के पास और कभी नहीं जाएंगे, ऑफिस के बाद सीधा घर आएंगे, हमारे साथ डिनर करेंगे, हमारे पास रहेंगे। मैंने जो भी देखा है, माँ को कुछ भी नहीं बोला अब तक। टीना के पापा ये सुनकर घबरा गए और बात घुमाने की कोशिश किए, पर टीना इस बार छोड़ने वाली नहीं थी। फिर उसके पापा अपने आंसू नहीं रोक पाए और टीना को प्रॉमिस किए कि वो कभी भी दिव्यानी के घर नहीं जाएंगे। फिर कुछ दिन तक
टीना अपने माँ पापा के साथ बहुत खुश थी, पर उनके खुशी को दिव्यानी कश्यप की बुरी नजर लग गई। मुझे आज ही 5 लाख रुपए चाहिए, नहीं तो मैं क्या करूँगी तुम अच्छी तरह से जानते हो। ठीक है, मैं कहीं से भी जुगाड़ करके लाऊंगा, पर दिव्यानी प्लीज तुम हमारे बारे में सुनंदा को कुछ भी मत बताना, वो बेचारी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। दिव्यानी टीना के पापा को ब्लैकमेल करके हर महीने मोटा रकम लूटती रहती थी और धीरे धीरे टीना के घर की हालत बिगड़ने लगी। उनके घर पे खाना तक खाने का पैसा नहीं बचा। आप इतने सारे पैसों का क्या किया आखिर? कम से कम करोड़ों रुपए थे हमारे पास, कहाँ गए सारे पैसे? क्या किया तुमने, सच बोलो। सुनंदा, मैंने एक बिजनेस में सारा पैसा डुबा दिया। अभी और ज्यादा कुछ मत पूछो तुम, हम यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे, फिर मैं एक नई नौकरी ढूंढ लूंगा, सब ठीक हो जाएगा देखना। टीना के पापा पूरी तरह से लूट चुके थे, फिर भी दिव्यानी कश्यप को उनके ऊपर दया नहीं आई और आखिर में वो उनका महल भी छीन ली उनसे। नहीं दिव्यानी, और नहीं, मैं तुम्हें अब तक 2 करोड़ रुपए दे चुका हूँ, हमारी ये पुश्तैनी महल भी तुम्हारे नाम कर दिया है, फिर भी और पैसे मांग रही हो, कहाँ से लाऊंगा मैं पैसे? पैसे नहीं दोगे तो तुम बहुत पछताओगे, सी यू। टीना के पापा दिव्यानी को और पैसे नहीं दे सकते थे और दिव्यानी तो थी ही घर तोड़ने वाली औरत। वो सीधा टीना के घर पहुंची और सुनंदा को टीना के पापा के साथ उनके नाजायज संबंध के बारे में सब कुछ बता दी। उसके अलावा उनसे 2 करोड़ रुपए और ये महल भी ले चुकी है, ये भी बता दी। ये महल 1 घंटे में खाली करो, अब ये मेरा है, मेरा। दिव्यानी, तुम मेरी दोस्त होकर इतना बड़ा धोखा दिया मुझे, तुम कभी खुश नहीं रहोगी, जिंदगी भर रोती रहोगी। जैसे तुम मुझसे सब कुछ छीन ली, ठीक वैसे ही एक दिन तुमसे भी सब कुछ छीन जाएगा, तुम्हारे अपने तुमसे अलग हो जाएंगे, आखिर में तुम घुट घुट के मरोगी, याद रखना मेरी बात। टीना के माँ सुनंदा और कुछ नहीं बोल पाई और रो रो के अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर दी। टीना के पापा बहुत कोशिश किए सुनंदा को समझाने की, पर वो एक भी ना सुनी। 2 घंटे के बाद जब टीना के पापा दरवाजा तोड़ के अंदर गए तो सुनंदा जहर पीकर खुद खुशी कर ली थी। ये सदमा टीना के पापा बर्दाश्त नहीं कर पाए और दिल की मरीज होने के कारण पैनिक अटैक से उनकी भी मौत हो गई। एक ही पल में टीना अपने माँ और पापा दोनों को खोकर अनाथ हो गई, सिर्फ और सिर्फ दिव्यानी कश्यप की वजह से। टीना को उसके मामा मामी अपने साथ ले गए और दिव्यानी उस महल पे कब्जा कर ली। लगता है ये दिव्यानी का ही कमरा है, आज ये रात उसकी आखिरी रात होगी। 20 साल पहले मेरे माँ के साथ जो कुछ हुआ था आज उसके साथ होगा। फिर टीना उसी कमरे में अलमीरा के अंदर छुपी रही और सही मौके का इंतजार करती रही। जब अभिराज नशे में वॉशरूम में गया, मौके का फायदा उठाकर टीना ने अपना बदला ले लिया। दिव्यानी कश्यप, मेरा बदला पूरा हुआ। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए। अरे, इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। जल्द ही मिलेंगे और एक मजेदार रोमांचक कहानी के साथ। नमस्ते।